विधानसभा सीट पोड़ियाहाट। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से एक पोड़ियाहाट विधानसभा सीट है। गोड़ा जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र गोड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बारे में, तो साल 2005 में इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप यादव विधायक चुने गए, जबकि 2009 और 2014 में भी इस सीट पर जेवीएम के टिकट पर प्रदीप यादव ने ही कब्जा जमाया। इस बार भी जेवीएम ने प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम ने अशोक कुमार को मैदान में उतारा है। साल 2019 में हो रहे चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर कुल 270,726 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 140,031 और महिला मतदाताओं की संख्या 130,695 है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर जेवीएम के प्रदीप यादव ने बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह को 11,158 वोटों से हराकर अपना परचम लहराया था। प्रदीप यादव को कुल 64,036 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह को कुल 52,878 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेएमएम के अशोक कुमार को कुल 44,737 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेवीएम के प्रदीप यादव ने जेएमएम के सूरज मंडल को 36,704 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। प्रदीप यादव को कुल 67,105 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेएमएम के सूरज मंडल को कुल 30,401 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के प्रशांत कुमार को 24,124 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2005 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप यादव ने जेएमएम के प्रशांत कुमार को मात्र 24,292 मतों से शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था। प्रदीप यादव को कुल 72,342 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रशांत कुमार को 48,050 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सपा के आनंद कुमार को 3,693 वोट मिले थे। झारखंड बनने के बाद इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो इस सीट पर एक बार बीजेपी, दो बार जेवीएम का कब्जा रहा है। आपको बता दें कि पार्टियां जरूर बदल गईं, लेकिन तीनों बार एक ही व्यक्ति का कब्जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।